हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? होपफुली अच्छी चल रही होगी। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे और एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का आप पढ़ते रहिए, ठीक है? आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये वैसे आपने जो थंबनेल है वीडियो का उसमें देख ही लिया होगा, ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और यहां से हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है? और इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है, इससे पहला वाला जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन, वो सारी वीडियोज मैंने आपको डाल दी हैं, ठीक है? वो चैप्टर भी आप पढ़िए, इस चैप्टर को भी आप पढ़िए मेरे साथ, और आगे आने वाले चैप्टर जो है उनकी वीडियोज भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता है, आपको समझ में आ जाए कि कौन सी वीडियो मैंने अपलोड की है। बात समझ में आ गई? तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियोज आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छी वीडियोज हैं, बहुत अच्छी वीडियोज हैं, आपको समझ आ रही है, आपकी हेल्प कर रही है स्टडी में, तो उन वीडियोज को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उन वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि जिस तरह से आप इन वीडियो का फायदा उठा रहे हैं, बाकी बच्चे भी, आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फायदा उठाएं और स्टडी में उनको भी हेल्प मिले, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है? तो एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्या होते हैं, ये पूरा इंट्रोडक्शन यहां पर रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का, और इन तीनों कंपाउंड्स की नेमिंग भी इसी सिंगल वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर की। तो इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में मैं क्या डालने वाला हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का, और उनका क्लासिफिकेशन और नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर आईयूपीएसी एज वेल एज अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, ठीक है? तो शुरू करते हैं एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स में। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स क्या होते हैं। देखिए, हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन का अगर कोई भी हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन हम रिप्लेस कराते हैं, किस ग्रुप से रिप्लेस कराते हैं, OH ग्रुप से रिप्लेस कराते हैं। अगर हमने इस हाइड्रोजन को इस OH ग्रुप से रिप्लेस करा दिया, इस OH ग्रुप से रिप्लेस करा दिया, तो क्या होगा? देखिए, यहां पे मैंने लिखा माइनस एच, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, और प्लस OH का मतलब है ये OH यहां पे रिड्यूस होगा, ठीक है? तो हमें जो नई होमोलॉग सीरीज, नई कैटेगरी, नई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलेगी, वो मिलेगी एल्कोहल्स। समझ आ गई बात? ऐसे बनते हैं एल्कोहल्स, दैट इज एल्कोहल्स आर द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के ओएच ग्रुप वाले डेरिवेटिव होते हैं, और इस तरह से हम इन्हें तैयार करते हैं। हम समझ सकते हैं कि एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन में क्या डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? इसके बाद हम फिनॉल्स की बात करेंगे। फिनॉल में क्या करते थे कि आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन है, और बेंजीन में एक, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, सब जगह हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन है। किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन को OH ग्रुप से आप, जैसे हमने ऊपर किया, OH ग्रुप से आप रिप्लेस करा दीजिए, OH ग्रुप उसके प्लेस पे ले आइए, तो आपको जो नई कैटेगरी, नई क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेगी, वो होंगे आपके फिनॉल्स। जनरली हम यहाँ पे ये वाला फिनॉल पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में हम बेंजीन को लेके चलते हैं, बाकी आप कहीं भी बना सकते हैं। तो ये हुए आपके एल्कोहल्स और ये हुए आपके फिनॉल्स, ठीक है? अभी मैं एल्कोहल, फिनॉल की बात करता हूं, उसके बाद इसी वीडियो में ईथर की बात भी करूंगा, बस आप देखते रहिए, ठीक है? तो ये एल्कोहल हो गए और ये फिनॉल हो गए। इस तरह के कंपाउंड एल्कोहल्स होते हैं और इस तरह के कंपाउंड फिनॉल्स होते हैं, ठीक है? अभी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो आपके कंपाउंड में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमने करना है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है यानी कि पहला जो टाइप है वो आता है आपका मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कौन से होते हैं भाई, जिनमें सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, ठीक है, जिनमें सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3CHOH CH3, लाइक दिस। फिनॉल में भी अगर हम फिनॉल को भी साथ साथ लेके चले तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल OH ग्रुप होता है, सिंगल OH ग्रुप, ये हमारा फिनॉल हो जाता है, दिस इज अवर फिनॉल, दिस इज अवर फिनॉल, ठीक है। तो ये हुए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, नोट करते जाइए आप साथ के साथ, पेन कॉपी पेन और नोटबुक लेके बैठा करें और यहां पे जो भी चीजें मैं आपको कराता हूं उनको नोट करते जाए, नोट्स बना लें छोटे छोटे, शॉर्ट में नोट्स बना लें, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन हमारा होता है वो होता है मोनोहाइड्रिक के बाद डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक का मतलब होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स, डाइहाइड्रिक जब आपके दो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो दो अल्कोहलिक ग्रुप में ये आपका हो गया CH2OH, ये आपका हो गया CH2OH, ठीक है, ये एडजेसेंट कार्बन पे दो OH ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो नाम होता है कॉमन नेम इथाइलीन ग्लाइकोल। ये कंपाउंड एक्चुअली जो बोला जाता है वो कॉमन नेम से जनरली हमको मिलता है, तो इसका नाम है इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक में फिनॉल भी होते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग पे दो OH ग्रुप यहां पे रिड्यूस कराते हैं तो ये हमारा डाइहाइड्रिक फिनॉल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसके बाद जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा क्लासिफिकेशन होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक बोले तो जब नंबर ऑफ OH ग्रुप मोर देन टू हो जाते हैं तो पॉलीहाइड्रिक बोले जाते हैं हमारे अल्कोहल्स और फिनॉल्स, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो यहां पे जो कंपाउंड आप ध्यान देंगे वो ये है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक में आता है, ट्राईहाइड्रिक, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन दोनों नाम होते हैं इसके, ग्लिसरीन भी नाम होता है इसका, ग्लिसरीन आपने पढ़ा होगा, ग्लिसरीन भी आपने सुना होगा, ग्लिसरॉल भी आपने सुना होगा। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल में या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल में OH ग्रुप कितने हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, तीन OH ग्रुप फिनॉल में हो जाते हैं, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स और फिनॉल्स, ये क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन OH ग्रुप। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, आप नोट करें, नोटबुक पेन लेके बैठे, नोटबुक पेन लेके बैठे, नोटबुक पेन लेके बैठेंगे नोट करते जाएंगे चीजों को तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। आप नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका या नोटबुक में साथ के साथ नोट करते जाएं और क्लासिफिकेशन यहां पे आपका हो जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच दिस OH ग्रुप इज अटैच्ड, ठीक है। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम यहां पे करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखिए हमने
हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में ही पढ़ा है। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हमारा होता है वो टू टाइप का होता है, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं देखिए ये होते हैं CH3CH2OH, दूसरा कंपाउंड होता है इसी बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन हम करते हैं CH3CH CH3 और इस कार्बन पे आ गया OH आपका, तीसरा कंपाउंड हमारा होता है ये, देखिए इस कार्बन के साथ ये OH ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के साथ ही OH ग्रुप अटैच है। ये जितने भी कार्बन मैंने यहां पे बताए आपको इन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है। यानी कि जो ये कंपाउंड्स है अल्कोहल OH ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये हुए हमारे अल्कोहल्स, और यहां जो कार्बन जिस कार्बन से OH आपका लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3। तो यहां पे ये वाला जो अल्कोहल है ये है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, लेकिन हम इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्कोहल होते हैं जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन पे OH ग्रुप एक्चुअली लगा हुआ है वो कार्बन सिंगल कार्बन के साथ अटैच है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यहां देखिए कार्बन, ये वाला कार्बन जिसको मैंने स्टार बनाया, ये कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है इसलिए ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, और इस सेकेंडरी कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप लगा हुआ है इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहां इस कार्बन के साथ तीन कार्बन आइटम अटैच है तो यहां जो कार्बन होगा इसको हम कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है OH ग्रुप भी लगा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री हम कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को 2 डिग्री हम कहते हैं और टर्शियरी को हम 3 डिग्री कहते हैं। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन में प्राइमरी अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, इस तरह का फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखा जाता है, ठीक है। ये sp3 की बात चल रही है। इसी तरह से अब ये वाला कंपाउंड भी हमारा आता है, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड का नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, बहुत यूज होता है बेंजाइल अल्कोहल, आपको पता होना चाहिए। बेंजीन के साथ CH2OH होता है बेंजाइल अल्कोहल हो जाता है, बेंजीन के साथ CH2OH होता है बेंजाइल अल्कोहल हो जाता है। तो इस कार्बन को आप चेक करिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसलिए ये इस वाली कैटेगरी में आता है और ये कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पे हम लेते हैं sp3 वाले में, वो है हमारा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक ग्रुप पढ़ा ना हमने, तो ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल कौन सा होता है मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है एलाइलिक अल्कोहल। इसमें आपको ये देखना है कि जिस कार्बन पे, देखो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इस कैटेगरी में हमने लिया, और इस कार्बन पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है OH ग्रुप लगा हुआ अल्कोहल हो गया, और अगर ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन आइटम से अटैच है तो ये हो जाता है एलाइलिक अल्कोहल। ये रिंग में भी होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है ये रिंग में भी होते हैं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ तो ये भी आपका एलाइलिक अल्कोहल में आएगा, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान से देखें, OH ग्रुप कहाँ अटैच है, उस कार्बन एटम के साथ अटैच है जिस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल हो गए, एक बार। दूसरी बात, जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है यहां पे ये कार्बन प्राइमरी है इसलिए हो गया प्राइमरी अल्कोहल, यहां ये कार्बन सेकेंडरी है इसलिए हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, और यहां ये कार्बन टर्शियरी है इसलिए हो गया टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब sp3 में कौन सा एग्जांपल दूसरा आएगा, ये वाला एग्जांपल देखो आप, बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल ये होता है, ये बेंजाइल ग्रुप होता है। अब इसमें ये कार्बन को आप चेक करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
sp3 हाइब्रिडाइज, तो ये बन जाए अल्कोहल, इसमें आ गया। और एक हमारा इस वाले क्लासिफिकेशन में कंपाउंड आते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल कौन से होते हैं? जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ। मैंने आपको बताया ये ओपन चेन में भी आपको मिलते हैं और ये रिंग में भी आपको मिलते हैं, साइकिल में भी आपको मिलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी एलाइलिक अल्कोहल होते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ यहां अटैच है एक कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके साथ लगा हुआ है OH ग्रुप, ये हो गया एलाइलिक अल्कोहल। तो ये कैटेगरी हुई कौन सी, जब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं अल्कोहल्स फिनॉल्स का, तो जो कार्बन OH ग्रुप के साथ अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरी कैटेगरी जब वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है जिस कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, फिर क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं? देखो, एक तो हमारा ये कंपाउंड हो जाता है जिसको हम फिनॉल कह रहे हैं, ये जो कार्बन है यहां पे ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, ये कंपाउंड हमारा फिनॉल होता है। हम इसको तो पढ़ ही रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, है ना, सारी केमिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये फिनॉल हो गया। इसके बाद दूसरा जो कंपाउंड आता है वो कंपाउंड आता है ये, अब ये कार्बन भी यहां पे sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो दो कंपाउंड में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको, ये सुनना बहुत अच्छी बात है। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, यहां पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है ये OH ग्रुप लगा हुआ है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, यहां पे जो OH ग्रुप लगा हुआ ये लगा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। ये जो अल्कोहल है अभी हम पढ़ के आए हैं, ये अल्कोहल होता है एलाइल अल्कोहल, और ये जो अल्कोहल है ये अल्कोहल होता है विनाइल अल्कोहल। ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से सुने कि अगर हमारा OH ग्रुप डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है विनाइल अल्कोहल होता है, अगर OH ग्रुप एक कार्बन एटम के साथ अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन वो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच है तो इसको हम कहेंगे एलाइल अल्कोहल, ठीक है। मैंने आपको बताया एलाइल अल्कोहल रिंग में भी होते हैं, रिंग में आपको ये कंपाउंड मैंने बना के दिखाया था एलाइल अल्कोहल है, ये भी एलाइल अल्कोहल, और विनाइल अल्कोहल भी रिंग में होते हैं। बस आपको करना क्या है, OH ग्रुप को डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच करना है, तो विनाइल अल्कोहल यहां पे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया विनाइल अल्कोहल, ये हो गया आपका एलाइल अल्कोहल, ये जाता है sp3 वाली कैटेगरी में, ये आता है sp2 वाली कैटेगरी में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक आपका ये कंपाउंड है फिनॉल जिसमें कार्बन जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन है अल्कोहल फिनॉल्स का जो बेस्ड है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है कंपाउंड में, और दूसरा जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। sp3 हाइब्रिडाइज है पूरा डिटेल में बता दिया, sp2 हाइब्रिडाइज है कंपाउंड्स बता दिया, आपको नोट कर लिया आपने, नोट नहीं किए फिर नोट कर लिए, दोनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फिर पढ़े जाते हैं। देखिए ये जो विनाइल अल्कोहल है, विनाइल अल्कोहल एक्चुअली उतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, अगर आपको टॉटोमेरिथम याद हो तो मैं आपको फिर याद दिला देता हूं। टॉटोमेरिथम में क्या होता है, टॉटोमेरिथम में जनरली हम पढ़ते हैं कीटो इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म क्या होते हैं, देखो आप ये डबली बॉन्डेड का डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ OH लगा हुआ है, यानी कि ये हो गया ईन, डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं और अल्कोहल को ऑल बोलते हैं, तो ये हो गया इनॉल। अब ये कंपाउंड एक्चुअली अनस्टेबल होता है, टॉटोमेरिथम यहां पे हो जाती है, और टॉटोमेरिथम जब हो जाती है तो कंपाउंड अनस्टेबल होने की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली कीटो फॉर्म बहुत स्टेबल फॉर्म है, तो उसमें होता है कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन एक्चुअली यहां शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा यहां शिफ्ट होता है तो ये कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोजन यहां चला गया, ये बन गया CH2 से CH3,
तो ये सिंगल बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड हो एच। तो ये देखो होती है इनॉल फॉर्म और ये फॉर्म होती है कीटो। तो कीटो इनॉल फॉर्म में यहां कीटो फॉर्म यहां स्टेबल है, लेकिन बहुत बार इनॉल फॉर्म भी स्टेबल होती है। जब हम सॉल्वेंट वगैरह का वहां पे फैक्टर हम देखते हैं तो कई बार इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो जाती है, लेकिन यहां हम जब कंपाउंड की इस तरह से कंपाउंड की बात करते हैं तो हम यही कहेंगे कि इनॉल फॉर्म बीइंग अनस्टेबल किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा ना, ये फॉर्म एक्चुअली आपको नहीं मिलेगी, ये फॉर्म आपको मिलेगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो चलिए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं एल्कोहल्स का। पहले एल्कोहल की बात करेंगे और देखिए एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं इस तरह के कंपाउंड CH3CH2OH, जैसा बिल्कुल इनिशियली मैंने आपको बताया इस वीडियो में CH3CH2OH, ये OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें हम, तो आईयूपीएसी सिस्टम में हम क्या कहेंगे, OH ग्रुप, दो कार्बन है तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे इथेन, दो कार्बन काउंट कर लिया हमने, इथेन हो गया, और यहाँ पे OH ग्रुप आया तो ऑल हमने लिख दिया। OH ग्रुप को आगे सफिक्स यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा, कंपाउंड का नाम होगा इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, ये ई को हम रिमूव कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉमन नेम की बात करें तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आपको पता होता है, ये कंपाउंड है इथाइल ग्रुप लगा हुआ, OH ग्रुप लगा हुआ तो एल्कोहल हो गया, तो ये कंपाउंड हो गया इथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम और ये हो गया इसका कॉमन नेम, ठीक है, ऐसे आपको नेमिंग करनी है। जैसे यहां पे आपका कंपाउंड आया CH3CH2OH, तो ये कंपाउंड का आईयूपीएसी ऊपर लिखूंगा मैं, आईयूपीएसी हो गया प्रोपेन, प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि तीन कार्बन एटम है और OH ग्रुप है, तो ऑल हो गया, कंपाउंड हो गया प्रोपेनॉल, ठीक है। कॉमन सिस्टम में नेम हो गया इसका कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल, और प्रोपाइल के साथ एल्कोहल ऑल लिख देंगे, तो ये हो गया प्रोपाइल एल्कोहल, ये हो गया आईयूपीएसी में और ये हो गया कॉमन नेम, कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमन नेम हो गया, ठीक है। और इसके बाद एक कंपाउंड और तीन कार्बन का हम बनाते हैं, तो ये कंपाउंड थोड़ा सा अच्छा कंपाउंड है, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस कंपाउंड को लेके, तो ये कंपाउंड है CH3CHOHCH3। अब इसमें नंबर आप देंगे 1, 2, 3, तो इस कंपाउंड का नाम आईयूपीएसी नेम जो होगा वो होगा प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। और जो कॉमन नेम इसका होता है, जब कार्बन पे दो CH3 होते हैं, मैंने बताया कई बार आपको, जब कार्बन के साथ दो CH3 होते हैं तो उसको कहते हैं आइसो, तीन कार्बन है तो हुआ प्रोपाइल, तो ये हुआ आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, समझ आया, ऐसे करते हैं नेम आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। तो देखो एक कंपाउंड ये हो गया आपको बताया मैंने, दूसरा कंपाउंड ये हो गया, तीसरा कंपाउंड ये हो गया, और देखिए आप कंपाउंड, अगर आपके एल्कोहल में दो OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इस कंपाउंड का जो नाम होगा क्या होगा, इथेन, दो कार्बन पे 1, 2 इथेन हो गया ना, तो ये होगा आपका इथेन 1, 2 डायऑल, दो एल्कोहलिक ग्रुप है तो डाई लिख देते हैं, OH ग्रुप के लिए और लिखते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप के लिए और लिखते हैं, और इसका आईयूपीएसी नाम होगा इथाइलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ कंपाउंड तो इसका क्या नाम होगा, देखो यहां 1, 2, 3 तो ये होगा प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2 डाइऑल, और क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट है OH ग्रुप, यहां पे यहां लिखा इथाइलीन ग्लाइकॉल, तीन कार्बन है प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, और दो एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं तो कॉमन नेमिंग में क्या लिखते हैं,
ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ऐसी ऐसी नेमिंग होती है, ये आप याद रखेंगे, प्रोपाइलीन इथाइलीन आप याद रखेंगे, और क्या याद रखेंगे आप, और आप याद रखेंगे एक ये आपके पास कंपाउंड है, ये देखो आप, ये जो कार्बन है जहां मैं स्टार बना दिया, यहां पे ये कार्बन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो ये हुआ सेकेंडरी, कितने कार्बन है टोटल 1 2 3 4, तो इस कंपाउंड का नाम होगा सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल, चार कार्बन है तो ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। और अगर हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा चार कार्बन पे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, और कौन से कार्बन पे लगा हुआ है OH ग्रुप, सेकंड कार्बन पे तो 2, और एल्कोहलिक ग्रुप है तो ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, और कॉमन नेम क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। इसी के साथ एक कंपाउंड और लेते हैं जो टर्सरी एल्काइल, टर्सरी ब्यूटाइल होता है, और टर्सरी ब्यूटाइल में आप ये देखो, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल, इस कार्बन के साथ तीन कार्बन अटैच है, और इस पे लगा दिया हमने OH ग्रुप, लिखो जरा नाम, लिखो इसका, इसका नाम लिखोगे आप तो ये होगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल हो गया ना, 1 2 3 4, चार कार्बन, ये हुआ कॉमन नेम, टर्सरी क्यों लिखा, क्योंकि ये कार्बन जिससे OH अटैच है वो तीन कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच है, टर्सरी हो गया। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ऐसे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सेकंड पोजीशन पे एल्कोहलिक ग्रुप है, तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, और कहां लगा हुआ है OH ग्रुप, सेकंड पोजीशन पे, तो हो गया 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऐसे एल्कोहल्स में नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी देखो सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई ना एल्कोहल के कंपाउंड्स की, वो टेबल में पहले कंपाउंड के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, फिर आपको नेम मिलेगा कॉमन नेम, और उसके बाद मिलेगा आईयूपीएसी नेम, वो टेबल आप पढ़ लें, ये वाले रूल सीख लें, जो मैंने यहाँ पे आपको रूल बताए हैं कंपाउंड की नेमिंग करते हुए, वो रूल आप ध्यान में रखते हुए, और वो बस टेबल आप कर लें, वो टेबल से आप कंपाउंड कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा एल्कोहल की जो नेमिंग है आईयूपीएसी और कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे हम करते हैं, कैसे उनके नाम लिखे जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। एनसीईआरटी साथ में रखा करो, एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें कि हाँ जो चल रहा है वो आपके मतलब का है, और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क वो चल रहा है, ठीक है, नोट करें आप ये कंपाउंड नोटबुक में, उसके बाद देखें, और एनसीईआरटी की जो टेबल में बता रहा हूं ना इस चैप्टर में, वो टेबल में आप जरूर देखना कि कंपाउंड्स की नेमिंग किस किस तरह से कर रखी है। कुछ डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में आके बस डिस्कस करो आप, अगर कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस करो, ठीक है, बाकी आप यहां से सीख जाएंगे, समझ आ गई बात। अभी बात करेंगे हम फिनॉल्स में हम नेमिंग कैसे करते हैं, यहां पे हमने शुरू करना है नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। देखो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ना, लंबी जा रही है वीडियो, इधर भी कवर करना है ना, तो वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ कंपाउंड लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आप ना इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इनको नोट करेंगे नोटबुक में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको जरूर काम आएंगे। तो जो पहला कंपाउंड तो आपको पता ही है, हम फिनॉल पढ़ रहे हैं, बेंजीन पे OH ग्रुप है तो फिनॉल हो जाता है, ठीक है। दूसरे कंपाउंड में क्या किया, अभी फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड हो गया और यहाँ पे OH ग्रुप है और CH3 है, सेकंड पोजीशन पे CH3 ग्रुप आ गया, कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2-methylphenol, सिंपल है। अब इसका जो कॉमन नेम है वो होता है ऑर्थोक्रिसॉल। अगर ये CH3 ग्रुप मेटा पे आ जाए तो ये हो जाएगा मेटाक्रिसॉल, कंपाउंड का नाम 3-methylphenol होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम, और कॉमन सिस्टम में ये नाम होता है मेटाक्रिसॉल। तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पोजीशन पे CH3 है मेटाक्रिसॉल, समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर पैरा वाला मैंने नहीं लिखा, स्पेस कम था इसलिए,
तो पैरा वाला, अगर पैरा वाले पे CH3 आ जाता है तो फिर वो हो जाएगा 4-methylphenol और यहां पे आ जाएगा पैरा क्रिस्टल। समझ आ गई होगी बात, ठीक है। इसके बाद अभी हम ब्रोमीन ग्रुप लेके आते हैं। इसका IUPAC नेम ही होता है, कोई कॉमन नेम नहीं होता। इसका नाम हो जाएगा IUPAC में 2-bromophenol, 1,2-2-bromophenol, और यहां पे हो जाएगा 3-aminophenol, 3-aminophenol। अब की बार हम अमीनो ग्रुप लेके आए, अमीनो ग्रुप, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये 3-aminophenol हो गया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये हमने प्रिपेयर भी करना होता है जो फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं। अब की बार हम ग्रुप लेके आए CHO, लेकिन देखो CHO और OH ग्रुप जब दोनों एक साथ होते हैं तो वहां पे प्रेफरेंस जो हमें देनी होती है वो CHO ग्रुप को देनी होती है। तो नंबरिंग जो हम करेंगे वो इस कार्बन से करेंगे, बेंजीन के उस कार्बन से जिस कार्बन पे CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो बेंड नंबरिंग ऐसे करेंगे 1-2, ठीक है। अब यहाँ OH ग्रुप जो है वो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आदर प्रीफिक्स हम उसको यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में CHO को प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू OH ग्रुप। इसलिए कंपाउंड का नाम देखो क्या हो गया, 2-hydroxybenzaldehyde, बेंजीन पे CHO होता है, बेंजाल्डिहाइड होता है, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, तो 2-hydroxybenzaldehyde। समझ आई बात। और इस कंपाउंड का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाता है सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड लिखा हुआ देखो, सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद CHO कन्वर्ट कर दिया COH में, यानी कि CHO की जगह आपकी बार हमने आए COH ग्रुप। तो जैसे COH ग्रुप आ जाता है, कंपाउंड का नाम हो जाता है 2-hydroxybenzoic एसिड, बेंजीन पे COH ग्रुप होता है, बेंजोइक एसिड होता है, और इसका जो नाम है वो सैलिसिलिक एसिड है, कॉमन नेम सैलिसिलिक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप है, सैलिसिलिडिहाइड होगा, एल्डिहाइड भी 2H ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड भी 2H ग्रुप है, सैलिसिलिडिहाइड होगा, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी 2H ग्रुप है, तो सैलिसिलिक एसिड होगा, ठीक है। अच्छा, अभी OH ग्रुप जैसे हमने पढ़ा था डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक, तो उस तरह के अगर कंपाउंड हमारे पास है तो यहां देखो 1,2-benzene, 1,2-diol, 2H डाइल, मैंने बता दिया एल्कोहल में बता दिया आपको, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है कैटेकॉल, कैटेकॉल याद रखेंगे। दो OH ग्रुप जब ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होते हैं एक दूसरे की, तो उसको हम कहते हैं कैटेकॉल। ऑर्थो पोजीशन पे क्यों, क्योंकि जैसे ही मेटा पे होगा तो नाम बदल जाएगा, नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल डाइहाइड्रिक कंपाउंड है, ये भी डाइहाइड्रिक है, ये भी डाइहाइड्रिक है, और देखो यहां पे देखो ये भी डाइहाइड्रिक है, ये पैरा पे है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, क्यूनॉल। मैंने इसलिए इसका IUPAC नेम नहीं लिखा, क्योंकि IUPAC नेम इसका हो गया बेंजीन 1,3-diol, इसका हो जाएगा बेंजीन 1,4-diol, देखो 1,4-diol, लेकिन इसका जो कॉमन नेम है वो हाइड्रोक्यूनॉन या क्यूनॉल, क्यूनॉल OL, और यहां रिसोर्सिनॉल और यहां कैटेकॉल, ठीक है। तो ये बात होगी फिनॉल के IUPAC और कॉमन नेम्स की। तो अभी अल्कोहल फिनॉल हमारा कवर हो जाता है, इंट्रोडक्टरी जो क्लास है हमारी वो यहाँ पे कवर हो जाती है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ईथर्स, ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स का क्लासिफिकेशन और ईथर्स की नेमिंग, उसके बाद ये वीडियो फिनिश होगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आगे जो ईथर है उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ईथर्स की। ईथर्स क्या होते हैं, ईथर्स होते हैं ये ROR, यानी कि जब किसी कंपाउंड में COC इस तरह से बॉन्डिंग होती है, कार्बन कार्बन के बीच ऑक्सीजन होता है, द कंपाउंड्स आर सेड टू बी ईथर्स, ईथर्स कहे जाते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। दो तरह के होते हैं ईथर्स, ईथर्स आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं ईथर्स, एक होते हैं इस तरह के और दूसरे होते हैं इस तरह के। आप कहेंगे फर्क क्या है सर, फर्क क्या है, फर्क ये है भाई, यहां पे आप एल्काइल ग्रुप देखो, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, और यहां पे एल्काइल ग्रुप में यहां मैंने डैश लगाया, डिस्टिंक्शन किया हुआ है, ये एल्काइल ग्रुप इस एल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है। तो जब सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ईथर्स में तो उनको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स, सिमेट्रिकल ईथर्स, और जब वहां पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं
तो हम उन ईथर्स को कहते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। तो ये बात हुई। अब सिमेट्रिकल ईथर्स के कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो ये एक एग्जांपल है CH3OCH3, डाइमिथाइल ईथर नाम है इसका, डाइमिथाइल ईथर। अभी डेटिंग करेंगे, एक मिनट आप रुक जाओ बस, ठीक है। यहां दूसरा सिमेट्रिकल ईथर है CH3CH2OCH2CH3, ये हमारा हुआ डाइमिथाइल ईथर। अब देखो यहां पे CH3, यहां पे CH3, सेम एल्काइल ग्रुप, यहां पे C2H5, यहां पे C2H5, सेम एल्काइल ग्रुप। अब यहां पे अगर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हो जाते हैं तो ये जो क्लास है ये बन जाती है अनसिमेट्रिकल ईथर्स वाले। फॉर एग्जांपल CH3O CH2CH3, तो ये हुआ मिथाइल, ये हुआ इथाइल, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, कंपाउंड का नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर। IUPAC नेम की अभी बात कर लेंगे, मिथॉक्सी इथेन होगा। तो यहां पे बस आप ये समझ लो सिमेट्रिकल कब होते हैं, अनसिमेट्रिकल कब होते हैं। सिमेट्रिकल तब होंगे जब सेम अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ईथर में, और जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ईथर में तो वो होता है अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ईथर में ये देख लीजिए, ये बहुत बड़े एग्जांपल हमारा होता है मिथॉक्सीबेंजीन। यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है, दूसरा एराइल ग्रुप है, होता है अल्काइल एराइल ईथर, अल्काइल एराइल ईथर। तो किसमें आ गया, अनसिमेट्रिकल वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है। तो नेमिंग की बात कर ले, समझ आ गया होगा आपको, जब सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है ईथर में सिमेट्रिकल ईथर होता है, जब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर होता है। विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया, आप देख लें, यहां पे सेम अल्काइल ग्रुप है, यहां पे सेम अल्काइल ग्रुप है, सिमेट्रिकल ईथर्स के एग्जांपल होते हैं। यहां CH3 है, यहां C2H5 है, अनसिमेट्रिकल ईथर का एग्जांपल है। यहां पे CH3 है, यहां पे फिनाइल है, तो एल्काइल एराइल जो ईथर्स होते हैं उस कैटेगरी में आता है कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल ईथर की कैटेगरी में आता है कंपाउंड, ठीक है। अब बात करते हैं ईथर्स की नेमिंग की, IUPAC नॉमेनक्लेचर और अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, सबसे पहले सिंपल कंपाउंड, बहुत सिंपल कंपाउंड, ये यहां से जरूर सीख लेते हैं, ठीक है। CH3OCH3, तो यहां पे देखो ये ध्यान रखना होता है, एक एल्काइल ग्रुप को एज एल्केन हम यूज करते हैं, दूसरे को एज अ सब्सट्रेट। तो यहां पे आप देखो, ये आप एक ऑक्सीजन को एक एल्काइल ग्रुप के साथ लेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को एक एल्काइल ग्रुप के साथ लेंगे, जैसे हमने यहां पे लिया एल्काइल ग्रुप के साथ, तो ये ग्रुप हो जाता है आपका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, बात समझना, एल्कोक्सी हो जाता है। ये बचता है आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो मेन चेन, जो वर्ड रूट बनाएगा, जो वर्ड रूट में आएगा। तो ये हो जाता है आपका नेम लिखने का तरीका, फॉर्मूला, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, इस पैटर्न पे नाम लिखेंगे आप, ठीक है। और यहां पे अगर हम बात करें तो एल्कोक्सी में अल्काइल ग्रुप कौन सा, मिथाइल, तो ये कंपाउंड हो जाएगा आपका मिथॉक्सी, और इधर कितने कार्बन है, सिंगल, तो सिंगल कार्बन में क्या होता है, मीथेन होता है, तो ये कंपाउंड हो गया आपका मिथॉक्सी मीथेन। ये तरीका है ईथर्स की नेमिंग करने का, एक अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो एल्कोक्सी हो जाएगा, दूसरे में कितने कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग एल्केन डिसाइड करेंगे, सिंगल कार्बन आइटम है मीथेन, दो कार्बन एथेन, तीन कार्बन प्रोपेन, पता है आपको, पता है ना, पता है आपको, जानते हैं आप, तो एल्कोक्सी एल्केन, मिथॉक्सी मीथेन, दूसरा कंपाउंड देखें आप, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया CH3OCH2CH3। अब यहां पे एक कार्बन एक अल्काइल ग्रुप में, दूसरे कार्बन में दो कार्बन, दूसरे अल्काइल ग्रुप में दो कार्बन है, तो यहां पे ये वाला जो है ये आएगा वन रूट में और ये बनेगा आपका एल्कोक्सी, यानी कि ये कंपाउंड हो जाएगा, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे आपका मिथॉक्सी इथेन, ये बिल्कुल क्लियर कर देगा, ये एग्जांपल बिल्कुल क्लियर कर देगा। हम कर क्या रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, इसको आप समझ के चलो जैसे हेलो ग्रुप होता है, हैलोजन डेरिवेटिव होता है, ठीक है, इसको लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी में मीथेन वाला है तो मिथॉक्सी हो गया, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन में क्या होता है, इथेन होता है, इथेन होता है, तो मिथॉक्सी इथेन हुआ कि नहीं हुआ,
चलो साथ के साथ यहाँ पे कॉमन नेम की बात निकले, बड़ा सिंपल है कॉमन नेम, दोनों अल्काइल ग्रुप के नाम लिखो आप, दोनों अल्काइल ग्रुप के क्या है अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे कौन सा है मिथाइल है। अब इथाइल मिथाइल को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो, इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, एबीसीडी में, ठीक है, आती है ना एबीसीडी भाई, एबीसीडी का अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो क्या लिखेंगे इथाइल, इसके बाद क्या लिखेंगे मिथाइल, इसको इथाइल लिख दिया, इसको कॉमन नेम की बात कर रहा हूं, इसको इथाइल लिख दिया, इसको मिथाइल लिख दिया, और क्या लिख दिया, कौन से कंपाउंड पढ़ रहे हैं ईथर, तो इथाइल मिथाइल ईथर, बड़ा सिंपल नेम है, ठीक है, ये कॉमन नेमिंग हो जाती है। और यहाँ पे क्या करते हैं आईयूपीएसी में, अभी मैंने बता दिया मिथॉक्सी इथेन इस कंपाउंड का नाम होगा, बहुत बढ़िया कंपाउंड मैं लेके चल रहा हूं अभी, आप देखो यहाँ पे CH3 CH CH3 O CH2 CH3, ये कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड है। अब आप देखो इस कंपाउंड में जो लॉन्गेस्ट चेन आपकी होगी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग पहले नेमिंग करता है, ये 1 2 3 तीन कार्बन वाले होंगे, इधर दो कार्बन है, इसको छोड़ देंगे, इसको किस में लेंगे, इसको लेंगे अल्कोक्सी में, कितने कार्बन है दो कार्बन है, क्या होगा इथॉक्सी होगा, क्यों होगा इथॉक्सी, क्योंकि दो कार्बन इथॉक्सी ग्रुप में, इथॉक्सी। अब इथॉक्सी इस लॉन्गेस्ट चेन में कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है भाई, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो यहां लिखेंगे 2 इथॉक्सी 2 इथॉक्सी, और कितने कार्बन है तीन, तो 2 इथॉक्सी के साथ क्या हो गया प्रोपेन, ये हुआ आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी, ठीक है। अब इसकी कॉमन नेमिंग करो आप, कॉमन नेम में क्या होगा, देखो ये दो कार्बन का इथाइल है, अब ये तीन कार्बन का है, तीन कार्बन का, लेकिन ये है आइसोप्रोपाइल, जहां एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ उस कार्बन में दो मिथाइल है कि नहीं है, बताया मैंने आइसो क्या होता है, तो तीन कार्बन टोटल हो गए और ये हो गया आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल इथाइल, जो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, ध्यान से देखना, इथाइल आइसोप्रोपाइल, इथाइल आइसोप्रोपाइल कौन से कंपाउंड है ईथर, ऐसे तो बताया इथाइल मिथाइल ईथर, यहां कौन से ग्रुप है इथाइल है आइसोप्रोपाइल है, इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, कितना आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बस यहां पे देख लो आप एल्काइल एराइल ईथर जिनकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो एल्काइल एराइल ईथर में यहां होता है OCH3, ठीक है, तो कंपाउंड क्या बना आईपीएससी में बनाए मिथॉक्सी, मिथॉक्सी नोट कर दे रहा हूं भाई आप, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी के साथ क्या है बेंजीन, तो मिथॉक्सी के साथ हो गया बेंजीन, ये हुआ मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। आई कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा यहां पे आपका है मिथाइल और यहां पे आपका है फिनाइल, तो ये कंपाउंड हो गया मिथाइल फिनाइल और ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग हम कर लेते हैं ईथर्स वाले कंपाउंड्स की, जो कंपाउंड ईथर्स होते हैं इस तरह की, इस तरह से जहां बॉन्डिंग में अरेंजमेंट होता है आर ओ आर सी ओ सी आर ओ आर डैश सी एस टी ओ सी एस टी, सब ईथर्स होते हैं, नेमिंग करने का ये तरीका, ठीक है, नेमिंग करने का ये तरीका है। बाकी जब कंपाउंड्स करेंगे आगे चलेंगे हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे भी नेमिंग की बात साथ के साथ हम करते रहते हैं रिएक्शंस में, चाहे वो प्रिपरेशन है और चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वहां भी सारे कंपाउंड्स की नेमिंग हम करते हैं, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, वो स्टार्टअप के लिए हमने यहाँ पे ये चीजें सीखनी बहुत जरूरी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती है। अच्छा, कॉमन नेम भी आना चाहिए, आईयूपीएसी नेम भी आना चाहिए, दोनों जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है, तो देखते रहिए सीखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप उसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और जब चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे तो बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, उसको प्रेस करेंगे, क्योंकि जो नई वीडियो आने वाली हैं उन वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। थैंक यू सो मच।